नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज, आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। देखिए, आज जदयू के राज्य कार्यकारिणी की एक बड़ी बैठक होने वाली है। इस वक्त हमारी मौजूदगी जदयू दफ्तर के बाहर है, जहां पर थोड़ी देर बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की भी मौजूदगी होगी। साथ ही साथ आपको बताएं तो एक बड़ी बैठक होने वाली है विधानसभा चुनाव से पहले। देखिए, विधानसभा चुनाव सर पर है और ऐसे में जदयू की ओर से एक राज्य कार्यकारिणी की बड़ी बैठक आयोजित कराई जा रही है, जिसकी अध्यक्षता खुद जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा करेंगे। साथ ही साथ इस जदयू के राज्य कार्यकारिणी की बैठक में तमाम जो जदयू के लोग हैं उनकी मौजूदगी होने वाली है। देखिए, जो गाड़ियों का सिलसिला है ये लगातार जारी है एक एक करके, क्योंकि जदयू के जितने भी कार्यकर्ता हो, मंत्री हो बिहार सरकार में, या फिर जितने भी तमाम जदयू के लोग हो, मुखिया हो, विधायक हो, सांसद हो, जो तमाम बिहार के लोग हैं जदयू से जुड़े हुए, उन सभी लोगों की मौजूदगी है। और देखिए, गाड़ियों का जो सिलसिला है वो लगातार लगा हुआ है और लोगों का जमावड़ा भी है। साथ साथ पटना दफ्तर, जदयू दफ्तर की बाहर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ताजा तस्वीरें। देखिए किस तरीके से जो भीड़ है, एक कह सकते हैं कि कतार लोगों की लगी हुई है और विधायकों की आने जाने की सिलसिला जो है लगातार जारी है। ऐसे में तमाम जो लोग हैं वो आ रहे हैं और हम आपको दिखा देना चाहते हैं किस तरीके से अंदर की तस्वीरों को हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से जो लोग हैं वो जा रहे हैं। ताजा तस्वीरें जदयू दफ्तर की है, जहां पर आने जाने का जो सिलसिला है लगातार जारी है। और कह सकते हैं कि विधानसभा चुनाव से पहले काफी अहम माना जा रहा है इस बैठक को, क्योंकि एक और जहां सर पर विधानसभा चुनाव है और ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बड़ी बैठक बुलाई है राज्य कार्यकारिणी की। तमाम जो जदयू के लोग हैं, चाहे विधायक हो या फिर राज्य के कार्यकर्ता हो, सभी लोगों की आने जाने का जो सिलसिला जारी है। गाड़ियों का जो कह सकते हैं कि लंबी कतार है वो भी देखने को मिल रही है। थोड़ी देर के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की भी मौजूदगी हो, साथ ही साथ जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा की अध्यक्षता में ये बैठक की जाएगी। फिलहाल इस अपडेट्स में इतना ही, हम दोबारा जुड़ेंगे। अभी के लिए हमें दे इजाजत, बने रहे हमारे साथ और देखते रहे देशवाणी। धन्यवाद।